आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं उसके कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या करती है कंपनी, क्या नहीं करती, और उसके बाद आप हमें गेस करके बताएंगे कि ये कंपनी किस तरह से आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकती है, और जो हमने रिव्यू किया था तब क्या नंबर्स थे और आज क्या हैं, और किस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है। इसमें आपको कोई भी कमी लगे या कोई भी आपको अच्छी बात लगे, आप हमें फीडबैक जरूर देना। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वीडियो की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको क्या सुनना है, मतलब आपको लगता है कि एनालिसिस में ये चीज़ होनी चाहिए थी या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो मैंने तरीका अपनाया है वो थोड़ा सा अलग है। और मैं बताऊं तो माइंड में बस ये था कि कोई भी अगर इस वीडियो को देखे तो वो समझ पाए, कि आराम से समझ पाए कि बिज़नेस क्या है कंपनी का, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सके सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं। तो अब कंपनी करती क्या है। कंपनी श्रिम्प फीड बिज़नेस में है और लगभग 75% इनका रेवेन्यू श्रिम्प फीड बिज़नेस से ही आता है। 25% ये बाहर अपना भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और जो कोविड से पहले था वो तब कंपनी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, मतलब एक्सपोर्ट बिज़नेस इनका इतना स्ट्रांग नहीं था, यूएस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यूएस पे डिपेंडेंस काफी कम हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम सिर्फ 11% इनका रिवेन्यू यूएस से आता है, बाकी कोरिया, जापान, वहां से बाकी 14% अदर कंट्रीज से आता है, जो कि एक अच्छी बात है। और रेस्टोरेंट वगैरह बंद होने की वजह से पिछले 1-2 साल में कंपनी को काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो असर भी खत्म होता हुआ दिखा। तो अब कंपनी आगे काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकती है और कंपनी के टारगेट्स भी काफी अच्छे सेट हो सकते हैं, उसके हिसाब से डीसीएफ वैल्यू निकलती है, यानी कि कंपनी कहां तक पहुंचेगी। अगर अभी तक आप समझ गए हैं कि किस कंपनी की बात हो रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कंपनी के सिर पे, जिस कंपनी का हाथ है ना, वो इस बिजनेस में एक तरह से कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, ठीक है ना। थाई यूनियन ग्रुप ऑफ थाईलैंड, इनका हाथ है इनके सिर पे, यानी कि कहने की बात है, इस कंपनी का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, अवंती फीड्स, और अवंती फीड्स पे इनका हाथ है, तो ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और टेक्निकली भी। देखो, मुझे ये मानना है कि जितना कंपनी स्ट्रांग है ना, तो फाइनेंशियली एक बार को हम अगर छोड़ भी दें तो टेक्निकली काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अवंती फीड्स वहाँ से सीख सकती है, वहाँ से अडॉप्ट कर सकती है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट लो हो सकती है और इन फ्यूचर वो भी उस कंपनी की तरह काफ़ी बड़ा अच्छा खासा काम कर सकती है। और देखो, सिर्फ सिर पे हाथ होना या भाई इनका टाइप है या वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो सपोर्ट खींच भी लेंगे, नहीं खींचेंगे उसकी क्या गारंटी है। तो उसकी ये गारंटी है कि वो कंपनी खुद अवंती फीड में एज अ प्रमोटर, या ये कह सकते हो उनके शेयर काफ़ी अच्छा खासा 12-13% होल्ड करती है, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है और जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इन्होंने जो लोकल मार्केट, लोकल फ़िश मार्केट रहती हैं, जो वहाँ पे फ़िश बिकती हैं, उनसे हटके कुछ अलग फ़िश जिनकी क्वालिटी, जिनकी ब्रीडिंग काफ़ी आसान है, उस मार्केट में जाने का फैसला किया है, जिस वजह से अभी कंपनी की कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, जिस वजह से अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं या पिछले 1 साल से कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। सेल ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही है, कंपनी खर्चा ज़्यादा कर रही है, अभी सेल शुरू हुई नहीं है काफ़ी चीज़ों की, कंपनी अभी प्रॉपर तरीके से फिश मार्केट में एंटर नहीं करी है। जैसे ही ये कर जाएगी आने वाले 1-2 साल में, अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो कंपनी आपको बहुत तगड़े रिटर्न दे सकती है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, किस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और फटाफट से दिखा देता हूं कि कहां पे कंपनी की पॉजिटिव चीजें हैं और कहां पे कंपनी की नेगेटिव चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो यहां पे आप पी देख रहे होगे स्क्रीन पे अपनी, यहां पे पी देखोगे तो 27 है, और यहां पे आप देखोगे तो इनका जो मीडियन पी है वो 26.7 है, तो अपने मीडियन पी के आसपास ही खड़ी है ये, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, हम यहां पे इसको मान सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक है अभी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कुछ मैंने चीज़ें हाईलाइट करी हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेट 0 है, आरओई आप देख सकते हैं, आरओसीई देख सकते हैं, ये जो कंपनी की बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये वो मैंने आपको बता दी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिस वजह से मैंने बताया था कि कंपनी अपने एक्सपेंड प्रोग्राम कर रही है या फिर और भी चीज़ें हैं, जिस वजह से सेल ग्रोथ नहीं हो पा रही है कंपनी की उस हिसाब से, और प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं, मार्जिन इनके ख़त्म हो चुके हैं पिछले 1-2 साल से, तो वो कंपनी वापस अपने मार्जिन को लाएगी जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकी करंट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और जीपीएम भी इनका वही मार्जिन वाली बात आ जाती है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन डाउन है, बाकी तीनों चीज़ें आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है, ये ठीक है, लेकिन जीपीएम में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डेप टू इक्विटी रेशो भी बहुत बढ़िया है, और ये 17:24 मैंने क्या दे रखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमने जो मार्क्स दिए हैं 17 out of 24 जो हम बात कर रहे हैं, तो ये नंबर्स इसने कहां से लिए हैं। देखो, हमने देखा क्या, देखा ईवी एबिटा
पैट मार्जिन, आरओई, आरओसी, आरओए, इंटरेस्ट रेशियो, जिनको हमने ग्रीन करा है वो बहुत बढ़िया है, और कंपनी का कंपैरिजन ज़्यादा कंपनियों से नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये कंपनी काम कर रही है, जिस लेवल पे खड़ी है, मुझे नहीं लगता किसी से कंपैरिजन इनका ठीक है। इनका जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के अराउंड है, और जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनका 1,000 करोड़ भी नहीं है, और कंपनी इतना अच्छा बिजनेस कर भी नहीं रही वो वाली। तो उनसे कंपैरिजन करना, उनका कोई पीओए हाई होना मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा ठीक था, इसलिए मैंने सब चीज़ों को यहाँ पर ऑरेंज कर दिया है। जीपीएम इनका खुद ही ख़राब है और प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल है ही नहीं। बाकी डेट्स, सब्सिडरी, कैश फ्लो, ईपीएस, इन सब चीज़ों की बात करें तो कंपनी ओवरऑल 17 पॉइंट्स पे ठीक खड़ी उतरती है और 24 पॉइंट्स इनके ख़राब हैं, सॉरी जो बाकी इनके 7 पॉइंट्स बच गए वो ठीक नहीं है। अब जो 7 पॉइंट्स बच गए उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी कि मैंने इनको यहाँ पे हाफ हाफ पॉइंट दिए हैं जो ऑरेंज वाली फील्ड है, तो उस ऑरेंज वाली फील्ड को जो मैंने हाफ पॉइंट दिए हैं वो इसलिए कि हम कंपैरिजन उतने अच्छे से कर नहीं सकते। और कंपनी कितना टारगेट, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 511 इनका टारगेट बैठता है, और जैसे जैसे कंपनी के नंबर्स ठीक होंगे, मैं कह रहा हूं अगर आपको यहां से ये कंपनी जितना दूर दिख रही है ना 511 से, आप आराम से बाय कर सकते हो, बेशक ये वीडियो पुराना हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी टच करेगी 511 जो हमारा DCF के बेस पे हमने टारगेट निकाला है। ठीक है, कंपनी की अगर ग्रोथ एवरेज भी रहती है तो भी, और आने वाले जल्द ही इस समय में कर लेगी। और कहने की बात यह है कि जब हमने लास्ट में इसको किया था ना 500 इसी प्राइस के आसपास था, जब हमने इसको रिव्यू करा था तब इसका टारगेट 600 से ऊपर निकल के आ रहा था, और कंपनी जैसे ही अपने मार्जिन ठीक कर लेगी वापस इसका टारगेट बढ़ जाएगा, और हर साल अगर मैं बात करूं तो कभी ये कभी ना कभी आपको 20-30% का भी रिटर्न देगी। एक साल में हो सकता है आपको 10-15% का ही रिटर्न मिले, 20% रिटर्न ना मिले, अगर ये टारगेट एक साल में भी अचीव होता है तो। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि कंपनी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं ऊपर नीचे आपको करके दिखा रहा हूँ, जो आपको ग्रीन दिख रही हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कंपनी में, आरओई, आरओसी, आरओए, इंटरेस्ट कर्व, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट टू इक्विटी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, आप इनको डीप में समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ये खाली शीट ही समझा दूंगा सारी की सारी, कि इसमें जो हम नंबर्स डालते हैं वो किस तरह से डालते हैं। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए आगे लिखा है कि आइडियल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और ये आइडियल मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है आपको कहीं पे लगे कि 12-15% आरओई, आरओए ठीक होता है, तो मैंने उनको थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के लिए थोड़ा सा हायर कर रखा है हर चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और हम इसको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते थे बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं डाल पाए। बाकी आप हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, वो पोर्टफोलियो अभी हम साल में क्या चल रहे हैं क्या नहीं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज आपको अवंती फीड्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे लगा, मैंने कुछ पहले पॉइंट बताए जहाँ पे हमने कंपनी के काम के बारे में बात करी, फिर मैंने आपको नंबर्स भी दिखा दिए कि कंपनी के नंबर्स किस तरह के हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि कंपनी कैसी है या इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्रेश बाइंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, और आप इसको एक साल के लिए भी ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, 6 महीने 1 साल के लिए ले सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।